ओए मार्ट, बस एक फोन घुमाओ घर पर सामान पाओ। इस लॉकडाउन में भी अब करें खुलकर खरीदारी। जी हाँ, अब घरेलू सामान की डिलीवरी नवगछिया अनुमंडल के किसी भी क्षेत्र में कॉल करें 8340371178 7325052437 पर। ओए मार्ट ऑनलाइन मार्केट। जीएस न्यूज चैनल पर चल रहे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता पार्ट टू में आज तीसरा सवाल, सुप्रसिद्ध मधुबनी चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? ए उत्तर प्रदेश, बी झारखंड, सी पश्चिम बंगाल या डी बिहार। वीडियो को रोककर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आपको लगता है कि आपका जवाब सही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कल के प्रतियोगिता में आप सबसे पहले जवाब दे सकें। भागलपुर के लाल ने किया कमाल, यूपीएससी परीक्षा में 19वां रैंक किया हासिल। भागलपुर जिले के खलीफाबाग निवासी श्रेष्ठ अनुपम ने यूपीएससी में पूरे देश भर में 19वां रैंक हासिल किया है। श्रेष्ठ दिल्ली आईआईटी से मैकेनिकल इंजीनियर के पद पर हैं। श्रेष्ठ बचपन से ही काफी तेज दिमाग के रहे हैं। उन्होंने 2012 में 10वीं परीक्षा सेंट जोसेफ से पास की थी, जिसमें वह बिहार में पहले स्थान पर और पूरे देश में दूसरे स्थान पर थे। श्रेष्ठ ने बताया कि उसके पापा सिविल सेवा में आना चाहते थे लेकिन परीक्षा में सफल नहीं हो पाए थे, तो उन्हें काफी पढ़ाया लिखाया और उनकी सभी मांगों को पूरा किया। श्रेष्ठ ने बताया कि उन्होंने इससे पहले भी परीक्षा दी थी लेकिन वे सफल नहीं हो पाए थे क्योंकि उस समय ज्यादा तैयारी नहीं कर पाए थे, लेकिन इस बार उन्होंने काफी मेहनत की और दूसरी बार में वे सफल हुए हैं। अपने बेटे की इस बेहतरीन सफलता से श्रेष्ठ की मां अनुपम और पापा विनीत कुमार भी काफी खुश हैं। मैंने 2019 की यूपीएससी सिविल सर्विसेज परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 19वां हासिल किया है। मैंने आईआईटी दिल्ली से अपनी बीटेक की पढ़ाई पूरी की थी 2018 में। यह मेरा दूसरा अटेम्प्ट है। अपने पहले अटेम्प्ट में मैं प्रीलिम्स में सफलता प्राप्त नहीं कर पाया था। इस साल प्रभु की देन से और अपने माता पिता के आशीर्वाद से मैं तीनों स्टेजेस को क्लियर कर यूपीएससी में ऑल इंडिया रैंक 19वां हासिल कर पाया। नाम आपका? जी श्रेष्ठ अनुपम। पिताजी के नाम? जी मेरे पिताजी का नाम दिलीप कुमार अमर है, वह जयप्रभा महिला विकास केंद्र में ऑपरेशनल हेड है, यह एक एनजीओ है। मेरी मम्मी भी वहीं पे ट्रेजरर है उसी एनजीओ में। घर कहाँ होगा आपका? जी मेरा पैतृक निवास जो है वह बरियारपुर मुंगेर में है। भागलपुर में मैं 2002 में मेरी फैमिली शिफ्ट हो गई थी और तब से हम लोग भागलपुर में रह रहे हैं। भागलपुर मैट्रिक परीक्षा का पंजीयन व परीक्षा शुल्क 67 स्कूलों ने नहीं किया है जमा। मैट्रिक परीक्षा 2020 को आयोजित हुए 5 माह बीत चुके हैं, बावजूद अब तक जिले के 67 हाई स्कूलों ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के पास परीक्षा में सम्मिलित हुए छात्र छात्राओं का पंजीयन अनुमति व परीक्षा शुल्क जमा नहीं किया है। परीक्षा समिति ने सभी विद्यालय को 5 अगस्त तक बकाया राशि जमा करने का निर्देश दिया है। इसे समिति की वेबसाइट की सहायता से जमा करना होगा। यह राशि मैट्रिक परीक्षार्थी ने परीक्षा फॉर्म व पंजीयन के समय ही जमा कर दिया था, बावजूद अब तक इन स्कूलों ने राशि को बोर्ड के खाते में ट्रांसफर नहीं किया है। बताया जा रहा है कि तकनीकी कारणों से यह परेशानी हुई है। गोपालपुर में 3 नए कोरोना मरीज। गोपालपुर प्रखंड के सैदपुर, सिंधिया, मकनपुर व हरनाचक में मंगलवार को 1-1 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। स्वास्थ्य प्रबंधक अतीश कुमार राय ने बताया कि लालजी मध्य विद्यालय सिंधिया मकनपुर में 77 एवं पीएससी में 32 मरीजों की जांच की गई, जिसमें 3 कोरोना संक्रमित मिले। उन्होंने बताया कि तीनों संक्रमित मरीज को होम आइसोलेशन में रखा गया है। उन्होंने बताया कि बुधवार को मध्य विद्यालय पचगछिया में शिविर लगाकर रैपिड एंटीजन किट से जांच किया जाएगा। नवगछिया में 15 कोरोना पॉजिटिव। नवगछिया में मंगलवार को 15 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। संक्रमित पाए गए लोगों में 11 मरीज ढोलबज्जा के हैं, जबकि एक भवानीपुर पंचायत के व एक भागलपुर 0 माइल, एक जपतेली वार्ड 3, एक मददपुर गांव के हैं। नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल उपाधीक्षक डॉक्टर अरुण कुमार सिन्हा ने बताया कि मंगलवार को अनुमंडलीय अस्पताल में 48 लोगों का जांच किया गया, जिसमें 4 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए, जबकि ढोलबज्जा में कैंप लगवाकर 93 लोगों की जांच की गई, जिसमें 11 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इसके अलावा 13 लोगों का सैंपल भी अस्पताल में लिया गया है, जिसे जांच के लिए पटना लैब भेजा गया है। उन्होंने कहा कि कोरोना पॉजिटिव पाए गए मरीजों को कोविड सेंटर लेन या बॉन्ड भरवाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। रंगरा में 8 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव। रंगरा पीएससी में किए गए रैपिड जांच में 8 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जिसमें तिनतेंगा के 3 और रंगरा के 5 व्यक्ति हैं। जानकारी मिली है कि संक्रमित व्यक्तियों में कुछ ने अस्पताल में इलाज कराने की बात कही है तो कुछ ने बॉन्ड भरकर घर में ही क्वारंटीन रहने की अनुमति मांगी है। रंगरा पीएससी के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर रंजन कुमार ने कहा कि संक्रमित व्यक्तियों को अस्पताल भेजने या क्वारंटीन करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। नवगछिया एसपी ने थानाध्यक्ष के साथ की मासिक अपराध गोष्ठी, दिए निर्देश।
नौगछिया पुलिस अधीक्षक कार्यालय में मंगलवार को एसपी स्वप्नाजी मिश्राम की अध्यक्षता में मासिक अपराध गोष्ठी आयोजित की गई। मासिक अपराध गोष्ठी में एसडीपीओ प्रवेंद्र भारती मौजूद थे। बैठक में नौगछिया एवं बीहपुर सर्किल के इंस्पेक्टर सहित सभी थाने के थानाध्यक्ष शामिल हुए। बैठक में एसपी ने थानावार कांडों की समीक्षा पुलिस पदाधिकारियों से किया एवं आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। नवगछिया में मास्क चेकिंग अभियान में 86 लोगों से वसूला गया जुर्माना। नवगछिया एसपी स्वप्नाजी मिश्राम के निर्देश पर पुलिस जिले के सभी थाना क्षेत्र में चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान मास्क एवं वाहनों की जांच की गई। जांच अभियान में कुल 86 लोगों को बिना मास्क के सार्वजनिक स्थानों पर गतिविधि करते हुए पाए गए, जिससे कुल 4300 रुपये जुर्माना वसूल किया गया है। इस अभियान में 4 वाहनों से 4000 रुपये जुर्माना वसूल किया गया है। नवगछिया सेक्टर के पदाधिकारी के साथ एसडीओ ने की बैठक, कहा बूथ का भौतिक सत्यापन कर जांच प्रतिवेदन करे समर्पित। विधानसभा चुनाव को लेकर अनुमंडलीय प्रशासन स्तर से तैयारी शुरू कर दी गई है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर नवगछिया अनुमंडलीय पदाधिकारी सह निर्वाची पदाधिकारी मुकेश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को बैठक आयोजित की गई। बैठक में गोपालपुर विधानसभा के सभी सहायक निर्वाचित पदाधिकारी एवं सेक्टर के पदाधिकारी सम्मिलित हुए। बैठक में विधानसभा चुनाव को लेकर की जाने वाली तैयारी पर एसडीओ ने पदाधिकारी के साथ समीक्षा की। प्रशासन स्तर से आयोजित इस पहली बैठक में अनुमंडल पदाधिकारी ने सभी सहायक निर्वाची पदाधिकारी एवं सेक्टर के पदाधिकारी को अपने दायित्व से अवगत कराते हुए तैयारी में लग जाने का निर्देश दिया। बैठक के दौरान सभी सेक्टर के पदाधिकारी को अपने अपने क्षेत्र में पड़ने वाले बूथ का भौतिक सत्यापन कर रिपोर्ट करने का निर्देश दिया गया है। वहीं एसडीओ ने कहा कि गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र में कुल 35 सेक्टर बनाए गए हैं। सेक्टर पदाधिकारी को यह निर्देश दिया गया है कि सभी बूथ पर सहायक बूथ पर भी बिजली, रैंप, शौचालय, पानी की व्यवस्था उपलब्ध है या नहीं, इसकी जाँच कर एक सप्ताह के अंदर जाँच प्रतिवेदन समर्पित करने का निर्देश दिया गया है। नवगछिया कोविड सेंटर में मरीज की नियमित स्वास्थ्य जांच करें चिकित्सक, कोविड 19 सेंटर का जिला टीम ने किया निरीक्षण। नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल में बनाए गए 20 बेड के कोविड 19 सेंटर का आईएएस अधिकारी दीपक मिश्रा सहित टीम के अन्य सदस्यों ने निरीक्षण किया। इस दौरान एसडीओ मुकेश कुमार भी मौजूद थे। एसडीओ ने बताया कि नवगछिया अनुमंडल अस्पताल के कोविड 19 में कुल 16 कोरोना के मरीज भर्ती पाए गए हैं। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि विटामिन सी की दवा मरीजों को नहीं मिल रही है। इस संदर्भ में अस्पताल के चिकित्सक को विटामिन सी की दवा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। एक मरीज द्वारा भोजन गुणवत्तापूर्ण नहीं दिए जाने की बात कही। इस संदर्भ में अस्पताल प्रबंधन को मरीजों को गुणवत्तापूर्ण भोजन देने का निर्देश दिया गया है। अस्पताल के कोविड 19 5 ऑक्सीजन सिलेंडर बेड के साथ लगे हुए थे। अस्पताल प्रबंधक को ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है। मरीजों द्वारा शिकायत किया गया कि चिकित्सक द्वारा स्वास्थ्य की जानकारी नहीं ली जाती है। इस संदर्भ में अनुमंडल अस्पताल उपाधीक्षक को नियमित रूप से मरीजों के स्वास्थ्य चेकअप की जानकारी चिकित्सक द्वारा नियमित लिया जाए, ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। वहीं अनुमंडलीय पदाधिकारी ने कहा कि नौगछिया में 50 बेड का कोविड 19 सेंटर बनाया जाना है, इसको लेकर जगह चिन्हित करने की प्रक्रिया चल रही है। वहीं टीम के द्वारा नौगछिया मदन अहिल्या महिला महाविद्यालय का निरीक्षण किया गया है, लेकिन महाविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक द्वारा बताया गया कि इंटर की छात्राओं का नामांकन चल रहा है। कोविड सेंटर बनाए जाने से नामांकन बाधित हो जाएगा। उन्होंने कहा कि नौगछिया में कोविड सेंटर बनाने के लिए स्थल चिन्हित करने की प्रक्रिया चल रही है। कृपया ध्यान दें, अब एक मिनट के विज्ञापन के बाद खबर प्रारंभ होगा। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। अब घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना। नवगछिया का सुप्रसिद्ध सुंदरम रेस्टोरेंट। फ्री होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 8969339666। हमारा पता है नवगछिया ऑटो स्टैंड माँ गायत्री प्लाई के ऊपर, सुंदरम फैमिली रेस्टोरेंट। प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल नौगछिया भागलपुर, ऑनलाइन कक्षा देने वाला नौगछिया का एकमात्र विद्यालय। अभी नामांकन ले और ऑनलाइन पढ़ाई शुरू करें। 7488568 9234623333। अब पैसा नहीं बनेगा पढ़ाई में बाधा। दसवीं एवं बारहवीं के बच्चों के लिए सुनहरा अवसर, रहना, पढ़ना और खाना बिल्कुल फ्री। बीए, बीकॉम, बीएससी, पॉलिटेक्निक, बीटेक, बीबीए, बीसीए में ले निशुल्क नामांकन। एमएस कॉलेज ऑफ एजुकेशन, हाई स्कूल के समीप नवगछिया भागलपुर। अभी कॉल करें 8228-9569-05, 8873-9736 या रजिस्टर करें MSWTBihar.com पर।
नवगछिया पुलिस जिलावासियों से अपील, घर में जरूर जलाएं 5 दिए। भाजपा महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष खरीक दक्षिण, जिला परिषद कुमकुम देवी ने एक प्रेस नोट जारी करते हुए नवगछिया के सभी प्रबुद्ध जनों से, खासकर महिलाओं से अपील करते हुए कहा कि 5 अगस्त को अपने अपने घरों में 5 दिए जरूर जलाएं। कुमकुम ने कहा कि वर्षों बाद राम मंदिर की आधारशिला रखी जाएगी, मंदिर वहीं बनाएंगे। नारे के सूत वाक्य को चरितार्थ करने के लिए कितने राम भक्तों ने बलिदान दिया है, यह दिया राम भक्ति में कुर्बान होने वाले लोगों की भक्ति के सम्मान में और प्रभु श्री राम के प्रति आस्था व्यक्त करने का एक माध्यम होगा। तुलसीपुर हाई स्कूल के छात्र संदीप ने यूपीएससी की परीक्षा में मारी बाजी। खरीक प्रखंड के ध्रुवगंज निवासी नवल किशोर कुमार के पुत्र व तुलसीपुर उच्च विद्यालय के छात्र रहे संदीप कुमार ने यूपीएससी की प्रवेश परीक्षा में बाजी मार ली है। संदीप ने 435वां रैंक प्राप्त किया है। संदीप की इस सफलता पे उनके घर का माहौल उत्सवी हो गया है। दूसरी तरफ पूरा इलाका संदीप की उपलब्धि पर गौरवान्वित महसूस कर रहा है। एडीएम ने कदवा के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा। भागलपुर एडीएम मृत्युंजय कुमार ने मंगलवार को कदवा पहुंचकर वहां के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया, जहां एडीएम ने सीआई अंबिका प्रसाद के साथ भरोसा सिंह टोला में बाढ़ के पानी से कटे सड़क व बालू घाट समीप कोसी नदी से हो रहे सड़क कटाव स्थल का सड़क बचाव के लिए संवेदक मणिकांत यादव के द्वारा कराए जा रहे कटाव निरोधी कार्य को देखकर कई दिशा निर्देश दिया। बालू घाट पर चल रहे कटाव निरोधी कार्य को शराबियों ने रोका। कदवा दियारा पंचायत के बालूघाट समीप कोसी नदी की तेज धारा से कट रहे सड़क को बचाने के लिए किए जा रहे कटाव निरोधी कार्य को वहां के 4-5 शराबियों ने मिलकर काम को रोक दिया। कटाव स्थल पर काम कर रहे संवेदक मणिकांत यादव ने इसकी सूचना कदवा थाना, जिला प्रशासन, नंदनी सरकार व अन्य पदाधिकारी को दिया है। जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे कदवा पुलिस तिब बालक ने मामले की छानबीन कर दोषियों पर कार्रवाई में जुट गए थे। वहीं जिला प्रशासन नंदनी सरकार ने ग्रामीणों को समझा बुझाकर स्थानीय मजदूरों के द्वारा पुनः देर शाम को काम शुरू करवाया। नारायणपुर के बलहा में गड्ढे में डूबने से मासूम की गई जान। नारायणपुर प्रखंड के जयपुर चूहरपुरा पंचायत के बलहा गांव के वार्ड संख्या 1 पंडित टोला में पोखर नुमा गड्ढे में बलहा निवासी निरंजन पंडित के 4 वर्षीय पुत्र प्रेम कुमार का गड्ढे में गिरने से डूबने से जान चली गई। ग्रामीणों ने डूबे हुए बालक को गड्ढे से बाहर निकाला व इलाज के लिए प्राइवेट अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया। सर्पदंश से युवक की गई जान। नौगछिया थाना क्षेत्र के नगर पंचायत वार्ड 15 मक्खा तकिया निवासी मोहम्मद बदरुद्दीन के पुत्र तनवीर बैठा 20 वर्षीय की मौत सर्पदंश से हो गई। युवक के सर्पदंश से मौत हो जाने से परिजन गहरे सदमे में हैं। परिजनों ने बताया कि वे घर पर ही था, इसी दौरान घर के मान से निकलकर सांप ने उसे डस लिया और पुनः मान में चला गया। सर्पदंश के बाद परिजन ने जब तक उसे अस्पताल लेकर पहुंचे तब तक उसकी जान चली जा चुकी थी। सर्पदंश से युवक की मौत की सूचना मिलने पर नौगछिया पुलिस अस्पताल पहुंची, जहां पुलिस द्वारा सबका पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया है। अब पैसा नहीं बनेगा पढ़ाई में बाधा। 10वीं एवं 12वीं के बच्चों के लिए सुनहरा अवसर, रहना, पढ़ना और खाना बिल्कुल फ्री। बीए, बीकॉम, बीएससी, पॉलिटेक्निक, बीटेक, बीबीए, बीसीएमएलए, निशुल्क नामांकन। एमएस कॉलेज ऑफ एजुकेशन, हाई स्कूल के समीप नवगछिया भागलपुर। अभी कॉल करें 8228-9569-05, 8873-9736 या रजिस्टर करें msbihar.com पर। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। अब घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना, नवगछिया का सुप्रसिद्ध सुंदरम रेस्टोरेंट। फ्री होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 8969-33-9666। हमारा पता है नवगछिया ऑटो स्टैंड माँ गायत्री प्लाई के ऊपर, सुंदरम फैमिली रेस्टोरेंट। आई प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल नौगछिया भागलपुर, ऑनलाइन कक्षा देने वाला नौगछिया का एकमात्र विद्यालय। अभी नामांकन लें और ऑनलाइन पढ़ाई शुरू करें 7488-8569-88, 9234-62-33।